हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप ऑफ अर्शका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए वीडियो का करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में मैं करने वाली अपना फेस शेविंग रूटीन। तो आज मैं फर्स्ट टाइम अपने फेस पे शेविंग करने वाली हूँ। मुझे पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया है एलोवेरा जेल, जो कि पतंजलि का एलोवेरा जेल है। तो अपने साइड ब्लॉक्स पे मेरे हेयर्स है, तो मैं इसको रिमूव करूँगी सबसे पहले। तो मैंने एलोवेरा जेल को अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैं अपने दूसरे ऑपोजिट हैंड से अपने चीक्स को पुल कर रही हूँ, जिसके हेल्प से मुझे अपने फेस पे शेविंग करना इजी हो जाएगा। तो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, तो मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने फिर भी हिम्मत करके स्टार्ट कर दिया अपने फेस पे शेविंग करना। तो जब ये फ़र्स्ट टाइम इजीली ग्लाइड हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने फेस पे हेयर रिमूव कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं डाउनवर्ड की ओर अच्छे तरीके से ग्लाइड कर रही हूँ। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने फेस पे शेविंग करने जा रहे हो, मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप अपने हैंड्स पे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। बिकॉज मैंने जो ये मेरा फर्स्ट टाइम फेस शेविंग रूटीन था, तो मैंने सबसे पहले अपने अपर लिप्स पे शेविंग की थी, तो थोड़ा कट लग गया था। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मुझे शेविंग करना चाहिए और नहीं। तो मैंने फिर भी देखा था कि बहुत सारे यूट्यूबर अपने फेस पे शेविंग करते हैं, तो बहुत सालों से, तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपने फेस पे शेव करना। ये मेरी पहली शेविंग रूटीन वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत सारे हेयर को रिमूव कर दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मेरे फेस पे थोड़े से एक्ने और पिंपल्स हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने अपने साइड ब्लॉक्स पे ही शेविंग कर रही हूँ। मैं जिस तरीके से मैंने अपने दूसरे साइड ब्लॉक्स पे शेविंग की थी, सेम उसी तरीके से मैंने अपने इस तरफ के अपने चीक्स को होल्ड करी है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से अपने फेस पे शेव कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम करना तो अच्छा लग रहा था, आई होप नेक्स्ट टाइम भी ईजिली हो जाए। तो मैं इस टाइम ये जो मैं शेविंग करी अपने फेस पे, ये मॉर्निंग टाइम था, तो मॉर्निंग टाइम पे मेरा फेस इतना पफी हो चुका था। तो काफ़ी टाइम से मैं अपना स्किन केयर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से शेव करने के बाद मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको शेव करने के बाद अब मैं अपने फेस पे अच्छे से चेक इन कर लिया। तो मेरे फेस पे बहुत बहुत सारी साइड्स थी जहाँ पे मैं से शेविंग अच्छे से नहीं हुई थी, तो मैं अपनी शेविंग रूटीन को अच्छे से रेपिटेशन कर रही थी जिस भी प्लेस पर मुझे लग रहा था कि मेरे हेयर्स रिमूव नहीं है हुए हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि मैंने अपने फेस पे रोज़ वाटर लगाया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम शेव कर रही हूँ तो अपना स्किन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। पहले मैं अपने फेस पे वैक्सिंग कराती थी, तो उससे क्या हुआ कि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स होने लग पड़े थे। तो मैंने अपने फेस पे वैक्सिंग कराना बंद कर दिया, तो मैंने फेस शेविंग पे स्विच कर लिया। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह सोकर उठने के बाद मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा पफिनेस हो गई थी, तो मैंने अपने फेस पे किया आइसिंग। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस का जो पफिनेस है काफ़ी हद तक कम हो गया था। उसके बाद मैंने अपने फेस पे लगाया हनी, तो आपको हनी को अच्छे से अप्लाई करूँ मैं अपने फेस और लिप्स पे। तो मैंने अपने फेस पे हनी का फेस मास्क लगाया था, प्रैक्ट हनी ऑन योर फेस। तो मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया फिंगर के साथ, और 10 मिनट्स के लिए मैंने वेट किया। उसके बाद मैं अपने फेस को कर देती हूँ वॉश आउट विद अ नॉर्मल प्लेन वाटर। तो उसके बाद मेरे फेस का जो स्किन था इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, बेबी टेक्स्चर आ रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं आफ्टर वॉश क्या रिजल्ट था। इसके बाद मैंने अपने फेस पे लगाया SPF, क्योंकि सुबह सुबह इतना सारा स्किन केयर करने के बाद SPF तो मस्ट है, क्योंकि आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।